राजपूत सभा जिला मंडी द्वारा जिला प्रधान कर्नल एम के मंडियाल की अध्यक्षता में सामान्य सदन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से फिल्मकार संजय लीला भंसाली द्वारा रचित फिल्म पद्मावती पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। राजपूत सभा मंडी के महासचिव सीताराम वर्मा ने कहा कि राजपूत सभा ने एक मत से फिल्म को प्रसारित न करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में राजपूत समुदाय विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजपूत सभा राजस्थान की राजपूत करणी सभा के द्वारा चलाए गए अभियान के साथ है। सीताराम वर्मा ने कहा कि राजपूत सभा हिमाचल प्रदेश में रानी पद्मावती की फिल्म को प्रसारित नहीं करने देगी जब तक विवादित ऐतिहासिक तथ्यों को हटाया नहीं जाता। हम सभी जिला मंडी और हिमाचल प्रदेश की ओर से रानी पद्मावती की फिल्म जो विवादित हुई है उसके विरोध में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सभी मांग करते हैं कि रानी पद्मावती की फिल्म जो संजय लीला भंसाली ने फिल्म वो बनाई है उसका हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है जो कि राजपूत बिरादरी के लिए असहनीय है। हम जो राजस्थान की करणी सेना है उसके साथ हैं और हमने ये निर्णय लिया है कि इस फिल्म को हम हिमाचल प्रदेश में तब तक रिलीज नहीं होने देंगे जब तक इसके जो विवादित तथ्य हैं जिनसे राजपूत समाज की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है उसको फिल्मकार जो है वो हटाता नहीं है, तब तक इसका विरोध जारी रहेगा। राजपूत सभा मंडी के महासचिव सीताराम वर्मा ने कहा कि राजपूत सभा मंडी ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से प्रधानमंत्री को व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, पद्मावती पर आधारित फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग की है। और आज हमने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को जिलाधीश को सभी समेकित रूप में ज्ञापन देंगे और अपना हिमाचल प्रदेश और मंडी जिला का विरोध दर्ज करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।